प्रियंका संभव, हेलो मनी नाइन में। हम आज फोकस करेंगे म्यूचुअल फंड में, और वो भी एक नई स्कीम में। पराग पारिक म्यूचुअल फंड की एक नई स्कीम आई है। इसके एनएफए को हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखा, आज स्कीम फिर से रीओपन हो चुकी है निवेशकों के लिए, और स्कीम का नाम है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। क्या अलग है इसमें? और जब पराग पारिक एक स्कीम लेकर आती है तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इस पर हमने काफ़ी बातचीत होते हुए देखी, क्योंकि बहुत कम फंड्स लाते हैं, और जब ये कोई स्कीम लेकर आते हैं तो उसमें मेहनत बहुत करते हैं। तो आपके लिए इसमें क्या खास है, इस पर मैं बात करने वाली हूँ। आपके पोर्टफोलियो पर भी मैं सवाल लेने वाली हूँ। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। PPFS म्यूचुअल फंड के डेट फंड मैनेजर राज मेहता से मेरी बात होगी। इस फंड में क्या अलग आपके लिए पराग पारिक करने वाली है वो समझने वाले हैं। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है, कैसे अलग है डैफ, इस पर आज बात होगी राज से। और साथ में मेरे साथ हैं CFP पूजा भिंडे। थैंक यू सो मच पूजा। सो पूजा का मैं भी व्यू लेने वाली हूँ कि एज ए CFP वो आपके एसेट एलोकेशन में, आपके पूरे पोर्टफोलियो में एक डैफ जैसे फंड को कहाँ देखती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस चर्चा में। आज हम समझने वाले हैं कि डैफ में निवेश आपको कब करना चाहिए, और इस पराग पारिक के डैफ फंड में क्या खास रहने वाला है। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। साथ ही में यूट्यूब पर भी आप अपने लाइव क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। हाँ, तो आपके मन में पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ सवाल है, या फिर पराग पारिक के इस नई स्कीम से के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, भेजिए अपने सवाल फटाफट। सो लेट्स स्टार्ट द शो। मिस्टर राज मेहता, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला मनी नाइन के लिए। सबसे पहला सवाल, क्योंकि मैं देख रही थी नील पराग पारिक जो चेयरमैन और CEO हैं, उनके लेटर को मैं देख रही थी, और उन्होंने पहली लाइन में कहा कि हम देखते हैं, और हम तो वाकई में देखते हैं कि पराग पारिक के बहुत फंड हैं। ये आप लोगों की तरफ से ये सिक्स स्कीम है जो बाजार में आ रही है, तो आप निवेशकों को क्यों कहना चाहेंगे कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए, और किस तरह का ये फंड है, क्या बात है जो इसे अलग बनाती है? एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि इसका डेट में अच्छा खासा रुझान रहेगा, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप लेकर आए हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे इस फंड के बारे में? जी, जैसे कि आपने कहा कि हम ज़्यादा फंड लॉन्च करते नहीं हैं और हम करना भी नहीं चाहते, बट टैक्सेशन के में जो बदलाव आते रहते हैं उसके वजह से लास्ट 2 साल में 3 फंड लॉन्च किए हमने, तो उसमें से एक ये फंड है। अभी ये डैफ एंड बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, डायनेमिक एसेट एलोकेशन एंड बैलेंस एडवांटेज का जो कैटेगरी है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है एंड इन्वेस्टर के लिए। सो हर फंड हाउस ये कैटेगरी में एक ही फंड लॉन्च कर सकता है, एंड बाकी सब फंड हाउस को अगर आप देखोगे तो मोस्टली सब ने बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च किया है। एंड अगर डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड अगर किसी का रहा भी तो वो इक्विटी ओरिएंटेड रहता है, जिसमें 65% से ज़्यादा इक्विटी में निवेश किया जाता है, तो आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है। अभी लास्ट ईयर के बजट में जो टैक्सेशन का बदलाव आया, जिसमें अगर आप 35% से 65% के बीच में अगर इक्विटी में निवेश करते हो तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, तो हमें लगा कि ये एंड इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा तरीका है डेट में निवेश करने का, जिसमें 35 से 40% इक्विटी में निवेश रहेगा और बाकी का डेट में रहेगा। जो इक्विटी का जो पार्ट है उसमें भी काफ़ी सारा हेज रहेगा, तो जो काफ़ी पोर्शन आर्बिट्राज पोजीशंस में रहेगा तो वो भी डेट जैसे ही बिहेव करता है। तो ये फंड कोई भी इन्वेस्टर के डेट एलोकेशन के लिए निवेश करना चाहिए, ना कि इक्विटी के लिए। ओके, सो वेरी फोकस कि अगर आप डेट में निवेश करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए है। और आपने जैसे कहा कि 35 to 65 के बीच में इक्विटी इसमें रहेगा, एंड इसीलिए क्या हमें ये जो है, लेकिन 3 साल तक होल्ड करने के बाद ही आपको इसमें जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा इसको और समझाइए। और ये जो इक्विटी पर आप लोगों ने कहा है कि भाई 35%, सो विल यू गो बियॉन्ड 35 एंड समटाइम रीच 65% ऑफ इक्विटी ऑल्सो? लेकिन आप कह रहे हैं कि हम डेट पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, तो मैं ये मान के चलूँ कि इक्विटी 35 to 40? जी बिल्कुल सही। आइडियल सिनेरियो में इक्विटी का जो एलोकेशन है वो 35 से 40% ही रहेगा, और ओके, उसमें से भी काफ़ी सारा पोर्शन हेज्ड रहेगा, और जो इक्विटी के जो पोजीशंस रहेगी वो भी एकदम ही कंजर्वेटिव पोजीशंस रहेगी, जिसमें निवेश करेंगे ऐसी कंपनीज में जिसके कैश फ्लोज अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड्स अच्छा है, बायबैक्स करती है, ऐसी कंपनीज में ही निवेश करेंगे हम लोग।
और जो 35% से 65% अगर इक्विटी एलोकेशन रहता है तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलेंगे आपको 3 साल के बाद। तो समझो कि इन्फ्लेशन अगर 5% है और फंड का रिटर्न 7% है, तो जो इन्फ्लेशन के ऊपर का जो रिटर्न है 2%, उसके ऊपर ही आपको टैक्स लगता है, वो भी 20% ही लगता है। तो अगर आप बाकी ऑल्टरनेटिव्स के सामने देखोगे तो डेफिनेटली 3 साल के बाद बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स एंड बिकॉज ऑफ ये 20% का जो टैक्सेशन है, ये काफ़ी अच्छा पड़ता है एंड इन्वेस्टर के लिए। ओके तो 3 साल तक आप होल्ड करेंगे तभी इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो फिर आप क्या इसे एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा निवेश मानेंगे? जिन निवेशकों को डेट में अगर फोकस करना है उनके लिए ये फंड है, तो मॉडरेट रिस्क भी होगा, और क्या लॉन्ग टर्म नज़रिया आप कहेंगे निवेशक अगर इसमें निवेश करता है, आप क्या कहेंगे उनको, आप कितने समय का नज़रिया लेके इसमें निवेश करें? जी, हम इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि 3 साल से ज़्यादा अगर आपका टाइम होराइजन है तो ही ये फंड में इन्वेस्ट करें। 3 से 5 साल एक आइडियल टाइम होराइजन है। एंड अगर कोई रिटायरीज को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना है ये फंड में से, तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई यंग इन्वेस्टर है, उसको कोई डेट एलोकेशन करना है, तो उसके लिए भी ये फंड अच्छा है। तो एज ए डेट फंड, अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत भी एलोकेशन है एंड 3 to 5 years का टाइम होराइजन है, तो डेफिनेटली ये अच्छा फंड रहेगा। ओके, सो ये फंड जो है आपके कैपिटल गेन्स टैक्स आउटगो को कम करेगा, प्लस आपको 3 साल से 5 साल का नज़रिया रखना चाहिए। और मुझे ये बताइए राज, कि आपने डेट और इक्विटी इन दोनों के बीच में कैसे निवेश चुनने वाले हैं आप लोग? आप इसके फंड मैनेजर भी हैं, तो इक्विटी में किस तरह की कंपनीज रहेगी, डेट में ये कहाँ निवेश करने वाली हैं? मतलब अगर आप कह रहे हैं मॉडरेट रिस्क, तो डेट में आप कहाँ निवेश करेंगे टू इंश्योर कि डाउनसाइड रिस्क कम हो, मॉडरेट हो और वॉलेटिलिटी से बचा सकें आप? जी, तो अगर हमारे फंड हाउस की हिस्ट्री देखें तो डेट सिक्योरिटी में हम काफ़ी कंजर्वेटिव रहते हैं। तो हमारे जो दूसरे फंड्स हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है या लिक्विड फंड, उनका अगर पोर्टफोलियोज देखें तो हम ज़्यादा सॉवरेन में रहते हैं या फिर AAA रेटेड कॉरपोरेट्स में रहते हैं। उसमें AAA में भी काफ़ी सिलेक्टेड यूनिवर्स है हमारा, जहाँ पे हम क्रेडिट रिसर्च करके कंपनीज को एनालाइज करके ही निवेश करते हैं उसमें। तो ये फंड में मिक्स रहेगा, जिसमें शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट पेपर्स रहेंगे एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म सॉवरेन सिक्योरिटीज रहेगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। एंड इक्विटी पार्ट में, जैसे मैंने कहा, ऐसी कंपनीज में निवेश करेंगे जिसमें कैश फ्लोज अच्छे हो, डिविडेंड डील अच्छा हो, वैसी कंपनीज में ही निवेश करेंगे, और बाकी का पार्ट आर्बिट्राज रहेगा या हेज्ड रहेगा। और क्योंकि ये डायनेमिक रहेगा, तो ये इक्विटी और डेट के बीच में आप एलोकेशन को किस सिचुएशन में बदलेंगे? हम ये इंटेंड नहीं करते हैं कि ये ज़्यादा स्विच करे या कोई ऐसा पी मेट्रिक या ऐसा कोई यूज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से एलोकेशन ज़्यादा चेंज होगा। मोर और लेस ये एलोकेशन स्टैटिक ही रहेगा, जिसमें लगभग 40% के आसपास इक्विटी रहेगा और बाकी का डेट सिक्योरिटीज में रहेगा। ओके ऑल राइट, अब मैं लाती हूँ पूजा को। पूजा, कैसा लग रहा है आपको ये डैफ पराग पारेख का? क्योंकि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट कि भाई डेट फंड होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे, क्योंकि इक्विटी को इन्होंने कहा कि भाई 35 रखेंगे, मैक्सिमम 40 जा सकता है। सो हाउ आर यू फाइंडिंग दिस डैफ, एंड आपको क्या लगता है किस तरह के इन्वेस्टर? हालांकि हमें अभी राज ने बताया 3 to 5 years का नज़रिया है, तो आप इसमें निवेश कीजिए, मॉडरेट रिस्क टेकर हैं तो आप निवेश कीजिए। आप अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इसकी जगह कहाँ देख रही हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रियंका एंड हेलो राज। सो बेसिकली आई थिंक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी जो है वो हर एक के पोर्टफोलियो में एक जगह बनाती ही है। अब क्यों, जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, गोल्स के हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम इक्विटी तो डेफिनेटली SIP लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 years 10 years के हिसाब से इक्विटी को हम जगह दे देते हैं, डेट को हम थोड़ी बहुत जगह दे देते हैं, समझो 1.5 साल 2 साल 3 साल के अंदर के होराइजन के लिए। लेकिन हाइब्रिड कैटेगरी में, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, जिसको मैं अगेन स्पेसिफाई कर रही हूँ, क्योंकि उसमें अग्रेसिव कंजर्वेटिव बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स भी हैं, लेकिन उसमें इक्विटी पोर्शन फिक्स्ड है। जैसे कंजर्वेटिव में 10 to 25% इक्विटी है,
बैलेंस्ड में 40-60% एक्विटी है, अग्रेसिव में 65-80% एक्विटी है, ठीक है। सो कोई भी मार्केट सिनेरियो में ये परसेंटेजेस फिक्स्ड हैं इन कैटेगरीज में, लेकिन बैलेंस एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन की एक खूबी है, या वो एक अपना वजूद बनाती है पोर्टफोलियो में, क्योंकि उसमें इक्विटी और डेट पोर्शन जो है वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है एज पर सेबी डेफिनेशन। 0-100% इक्विटी या 0-100% डेट, ये इसका एलोकेशन होना चाहिए। अब जब मैं इस कैटेगरी को देखती हूँ तो हम कैसे सोचते हैं प्रियंका, कि जब मार्केट सस्ता होता है तब हमें लगता है हम एंट्री ले लें, जब मार्केट हाई लेवल पे पहुंचता है या महंगा होता है तब हमें लगता है हम प्रॉफिट बुक कर लें। सो सबको बाय लो सेल हाई वाला एक मेंटालिटी होता है, या रीबैलेंस करने का एक दिमाग में आता है कि अरे मैंने बहुत ज्यादा अगर प्रॉफिट कहीं देख लिया है तो चलो लेट्स बुक द प्रॉफिट, या फिर अब मैं एंट्री ले लूं। तो इन लोगों के लिए स्पेसिफिक के लिए एक बैलेंस एडवांटेज टाइप की ये जो कैटेगरी है वो बिल्कुल फिट होती है, क्योंकि वो मार्केट लेवल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे आज राज ने भी समझाया कि इक्विटी अगर बहुत हाई है तो उस टाइम पे वो डेट में उनका पोर्टफोलियो ज्यादा होता है, अगर डेट अगर मार्केट बहुत लो है तो वो डेट से इक्विटी में शिफ्ट होते हैं। अब बहुत ही स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो पराग पारेख के फंड में मेरी पसंदगी है, या मेरा एक इम्पॉर्टेंट सा व्यू पॉइंट इसके लिए है, क्योंकि टैक्सेशन बेनिफिट जो इंडेक्सेशन बेनिफिट टेक्निकली अगर हम देखें तो किसी को याद ही नहीं है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। हमारा भी कन्वर्सेशन हुआ था जहां हमको लगा था कि ये जो डेट में इंडेक्सेशन निकाल दिया है तो अब तो भाई हमें एज पर टैक्स लैब ही हम आ गए, तो हमारे डेट फंड्स या एफडी के सामने क्या मेरा मुझे क्या एज मिलेगा। लेकिन बैलेंस्ड कैटेगरी में, बैलेंस एडवांटेज फंड में और मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में भी काफी ऐसे फंड हाउसेस हैं जो इंडेक्सेशन बेनिफिट देने के लिए स्पेसिफिकली जो डेफिनेशन है कि उनको 35-65% के बीच में एक्विटी एलोकेशन रखना पड़ेगा, उसको टारगेट करते हुए उन्होंने इंडेक्सेशन बेनिफिट को अपने फंड में उसको जगह दी है, ताकि इस तरीके के इन्वेस्टर्स को इसका फायदा मिले। अब एफडी के सामने अगर मुझे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है जहां पे इक्विटी जैसे राज ने भी समझाया बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, 30-40% के आसपास, वो भी गुड क्वालिटी लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले स्टॉक्स, और 3-5% 3-5 ईयर्स के आसपास का होराइजन, एंड जो 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है ना प्रियंका, मैं कहूंगी आपको विजाविज अगर आप नॉन इंडेक्सेशन के सामने कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 1/3 आपका टैक्स कम हो जाता है, तो रिटर्न आपको पोस्ट टैक्स अच्छे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली इस कैटेगरी में अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है तो इस तरीके के फंड का चुनाव करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। ओके, सो पोस्ट टैक्स रिटर्न के मामले में पूजा इन्हें इसे थम्स अप दे रही है कि भाई ये पोस्ट टैक्स रिटर्न को मेरे लिए मैनेज कर रहा है, मॉडरेट रिस्क टेक करूं तो मेरे लिए अच्छा है। सो राज, मैं ये सवाल कैसे नहीं पूछूं, क्योंकि इसका कंपैरिजन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से होने ही वाला है। सो अब आपके पास इस कैटेगरी में, हाइब्रिड कैटेगरी में ये फंड एक है पहले से और अब ये फंड आ गया है, तो इन दोनों को आप कैसे एक निवेशक को बताएंगे कि भाई आप कब कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड चुनेंगे और आप कब एक डैफ जैसा स्कीम चुनेंगे? जी, जैसे कि पूजा ने कहा कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 25% इक्विटी से ज़्यादा नहीं जा सकते, और लास्ट बजट में जो बदलाव आया है टैक्सेशन में, जिसमें 35% के ऊपर इक्विटी है तो ही इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, तो इसके वजह से हमें दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज कंजर्वेटिव हाइब्रिड मोस्ट फंड्स मोस्ट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट था, एंड काफ़ी हमको भी उसमें इन्वेस्टर्स मिल रहे थे। बट ये टैक्सेशन चेंज के वजह से हमें ये फंड लॉन्च करना पड़ा, जिसमें इक्विटी 35% के ऊपर अलाउड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में वो रिस्ट्रिक्शन है जिसमें 25% के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो अभी मैं कहूँगा कि जो इन्वेस्टर्स लोअर टैक्स लैब्स में है, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है, अगर कोई और इनकम नहीं है, जिन जो टैक्स नहीं भर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डाले कि डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में डाले। और एक खूबी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की ये भी है कि थोड़ा बहुत एलोकेशन उसमें रीट्स और इन्विट्स में भी है, जो ये फंड में हमें अलाउ नहीं किया गया है। तो
तो अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो अभी भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड अच्छा है, बट अगर आप हायर टैक्स लाइव में हो तो फिर 3 साल से ज़्यादा अगर टाइम होराइजन है तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन आपके लिए बेहतर है। ओके ऑल राइट. सो इक्विटी की बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपके जैसा फंड हाउस, जब इक्विटी की हम बात करते हैं, बाजार जो एक वॉलेटाइल सेशन से गुजर रहा है, हर हफ्ते में हम उसमें बदलाव देखते हैं. हफ्ते में की शुरुआत जहाँ से होती है, बीच में कुछ होता है और आखिर में कुछ होता है. ऐसे में आप इक्विटी में वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसके आपके जैसे फंड हाउस अभी आय कर रहा है? आपका क्या नज़रिया इक्विटी में अभी? इक्विटी में सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल मार्केट लेवल्स देखें तो अबव एवरेज ट्रेड कर रहा है, बट काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं एंड विद इन सेक्टर्स ऑल्सो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। कुछ सेक्टर्स जो हमें अभी ये पॉइंट पे पसंद है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पावर प्लेज एंड आईटी सेक्टर। कुछ सेक्टर्स ऐसे ऑटो है जो काफ़ी अच्छा रिवाइवल कर रहा है बहुत टाइम के बाद। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमें पसंद है, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें वैल्यूएशंस हमें ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए हम ये सेक्टर्स से मोर और लेस दूर रहे हैं। बाकी ओवरऑल अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है एंड आप 5 ईयर्स प्लस होराइजन है, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे तो डेफिनेटली इक्विटी में, इक्विटी को कोई बीट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट विद इन 5 ईयर्स का आपका टाइम होराइजन है तो फिर डेट में रीएलोकेट कर सकते हैं। लास्ट 3 साल के इक्विटी के रिटर्न्स अगर देखेंगे तो सब इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में इक्विटी का जो एलोकेशन है वो बढ़ गया है, तो रीएलोकेट करने की काफ़ी ज़रूरत है। एंड कुछ पोर्शन डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स जैसे फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। ओके राज, सो बिफोर आई वाइंड अप आर कॉन्वर्सेशन, क्या वो लोग जो फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रखते हैं उनके लिए डैफ क्या एक बेटर सोल्यूशन है टैक्स को बीट करने में और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देने में? जी डेफिनेटली। एक तो रीज़न ये है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एवरी ईयर आपको टैक्स भरना है, इररिस्पेक्टिव आप रिडीम कर रहे हो कि नहीं रिडीम कर रहे हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप टैक्स तभी भरते हो जब आप रिडीम करते हो। दूसरा रीज़न ये भी है कि फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है वो फुल टैक्स स्लैब पे टैक्स होता है। यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है, जहाँ पे इन्फ्लेशन से ज़्यादा अगर रिटर्न है तो ही आपको टैक्स पे करना है, एंड वो भी 20% पे ही पे करना है। तो डेफिनेटली टैक्सेशन वाइज अगर 3 ईयर्स प्लस होराइजन हो या हायर टैक्स स्लैब्स में हो प्लस लॉन्गर टाइम होराइजन हो तो आपको मीन टैक्स डिफरमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो डेफिनेटली डायनामिक एसेट एलोकेशन बेटर है फिक्स डिपॉजिट के ओके, कंपैरिजन में। सो टैक्स आउटगो को कंट्रोल करेगा आपके लिए अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हैं, इन्फ्लेशन को बीट करेगा, इंडेक्सेशन का इसमें आपको फायदा मिल रहा है, मॉडरेट रिस्क टेकर्स के लिए है, 3 साल से 5 साल का नजरिया उनके लिए है. ऑल राइट, सो आई वी विल रैप दिस सेशन विथ राज. थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला राज. इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बताने के लिए कि आपकी स्कीम कैसे काम करेगी. आई होप जो निवेशक ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये कैसे काम करने वाला है, एक नई स्कीम है, कोई पिछला भी रिकॉर्ड नहीं है, तो आप समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और अगर ये आपके निवेश के पूरे गोल के आधार पर फिट बैठता है तो ज़रूर इसमें निवेश चुन सकते हैं आप. पूजा, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू. टैक्स के मामले में तो आपने इसे थम्स अप दिया है, आप इसको अगर कोई निवेश करना चाहता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में ये डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई ये डेट में अच्छा खासा एक्सपोजर रख रहा है और बैंक एफडी के मुकाबले, जैसा कि खुद राज बता रहे थे, मुझे यहाँ रिटर्न बेटर लग रहा है. आप क्या कहेंगी, डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये एक फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? जी बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है इस तरीके के फंड को आपके पोर्टफोलियो में रखना, क्योंकि अभी हम एक फंड मैनेजर की जुबानी सुन रहे हैं. जैसे आपने उनको करेक्टली पूछा कि किस तरीके के सेक्टर्स हैं, क्या लग रहा है इक्विटी का, डेट इंटरेस्ट रेट्स का, तो उनकी जो एक्सपर्टीज है वो दोनों एसेट क्लास में आपको इस एक पर्टिकुलर फंड में मिलती है, ठीक है. एंड हम एज अ फाइनेंशियल प्लानर जब भी एक पोर्टफोलियो को प्लान करते हैं तो हम कहते हैं इक्विटी, डेट, गोल्ड, आपके पोर्टफोलियो में सारे एसेट क्लासेस होने चाहिए और उसका प्रॉपर एसेट अलोकेशन होना चाहिए जो टाइम होराइजन, रिस्क, इन सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है. सो ऐसा एक फंड जिसमें डायनामिक एसेट एलोकेशन ऑलरेडी है, जिसमें नो ब्रेनर है, फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से डेट और इक्विटी का एलोकेशन कर रहा है,
वो चीज में तो क्वालिटी हो गया आपका एक फंड। नंबर टू, रिटायर्ड लोगों के लिए स्पेसिफिकली प्रियंका, जो लोग लमसम अमाउंट प्लान करते हैं ताकि उनको उसमें से SWP, जो विड्रॉवल प्लान हम उसमें दे के हर महीने विड्रॉवल आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं, और लमसम को ना कि 100% जैसे इक्विटी फंड में डाल के एक बैलेंस्ड एडवांटेज या डैफ कैटेगरी में अगर निवेश किया तो उनको एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन का भी एक भरोसा होगा कि बहुत ज्यादा इक्विटी एलोकेशन नहीं है, एट द सेम टाइम रिटर्न भी मिलेगा क्योंकि उनको कैपिटल जल्दी यूज नहीं करना है, उसको रखना है ताकि वो मंथली विड्रॉवल्स एंजॉय कर सके। लमसम में निवेश करना है तो कर सकते हैं, अगर कोई फर्स्ट टाइम है, विमेन इन्वेस्टर है, कंजर्वेटिव है, 3 से 5 साल में समझो मुझे घर के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है, बहुत हाई मार्केट है और लमसम पैसा डालना है, कहाँ डालें? इस तरीके के फंड में डालें जिसमें ऑलरेडी एसेट एलोकेशन किया हुआ है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं नो है। ब्रेनर काइंड ऑफ अ एंड स्कीम है पूजा के शब्दों में, एंड आई टोटली अग्री विथ यू। पूजा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कौन कौन कर सकता है, कब कर सकते हैं आप, व्हेन यू आर वेरी श्योर आपको अभी 3 साल में पैसे नहीं चाहिए, आप रुक सकते हो 3 साल तक। तो देखिए, इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट आपको मिलेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स की तरफ आपका आउट को आप कम कर पाएंगे, हायर टैक्स ब्रैकेट में। तो प्लीज़ इस तरह का फंड आपके पास होना चाहिए, अब किस कंपनी का हो ये आपका डिसीजन होगा।